बरेली की प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत से ताल्लुक रखने वाले मौलाना तौकीर रजा खान रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान देश की एकता और अखंडता के लिए 15 मार्च से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर चर्चा की। मौलाना ने वर्तमान समय को बेहतर नहीं बताते हुए विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बरेली से लेकर दिल्ली तक निकाली जाने वाली अपनी तिरंगा यात्रा के उद्देश्य की भी चर्चा की। उनका कहना है कि एकता और अखंडता के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसके बाद दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। चिट्ठी भेजी थी प्रधानमंत्री जी को और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और मैंने ये कहा था कि अगर 14 तारीख तक हमारी मांग पर कोई गौर किया जाता है, हमें कोई आश्वासन दिया जाता है, तो हम खामोश रहेंगे, और अगर हमारी मांग पर गौर नहीं किया तो 15 तारीख से हमारी तिरंगा यात्रा निकलेगी। तो वो मैं अपने उस काम पर अमल कर रहा हूँ। अब मैं हुकूमत से मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं चूँकि राष्ट्रपति महिला हैं और महिलाओं में हमदर्दी का जज्बा ज़्यादा होता है, दिल में ममता होती है, तो मुझे यकीन है कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं तो वो हमें दूसरे नेताओं की तरह हमें आश्वासन नहीं मिलेगा, वहाँ से हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद है, इसलिए हम राष्ट्रपति साहब